भागलपुर समीक्षा भवन में गुरुवार को दुर्गा पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर से अविलंब साफ सफाई की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने दुर्गा पूजा और मेला को देखते हुए तुरंत शहर में तमाम जगहों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसको लेकर दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अभय घोष सोनू और जयनंदन आचार्य ने कहा कि प्रशासनिक आदेश के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा का रूट पूर्ववत रहेगा, लेकिन बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन से एक बड़े कच्चे अस्थायी कृत्रिम तालाब निर्माण की मांग की गई है, जिस पर प्रशासनिक सहमति के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बैठक में प्रतिमा विसर्जन से पूर्व ही हुसैनाबाद विसर्जन मार्ग के नाले की उड़ाई कर लेने की मांग जिलाधिकारी से की गई, जिससे पिछले वर्ष की भांति सड़कों पर गंदा पानी को लेकर हुए विवाद इस वर्ष भी ना हो। बता दें कि बैठक में 25 अक्टूबर की दोपहर बाद दिन के 2 बजे शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर जिला प्रशासन से सभी पूजा समिति को एक समय पर प्रतिमा उठाने का आदेश जारी करने की बात कही गई, जिससे बिना किसी व्यवधान के ससमय प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा सभी पूजा समितियों से पूजा पंडालों में 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ CCTV कैमरा लगवाने एवं अग्निशमन यंत्र के इंतजाम रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही DJ और अश्लील गानों के बजने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहने के साथ पूजा समिति के कार्यकर्ताओं को बैच लगाने की बात प्रशासन की ओर से कही गई। साथ ही प्रतिमा विसर्जन के दौरान विसर्जन मार्ग के अलावा किसी भी इलाके में बिजली बाधित नहीं करने की बात कही गई है। भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा की पूजा और दर्शन करने को लगने वाली मेला की भीड़ को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने जरूरी पहल की है। इसको लेकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने 6 पूजा से 10वीं तक के लिए नया रूट चार्ज जारी किया है। प्रशासन के निर्देश के बाद अब 20 अक्टूबर से शहर के कई रूट पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा, जबकि कई रूट पर परिचालन डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक DSP खुद इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर 6 पूजा से शहर में कुछ जगहों पर नई यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें शहर के 15 सड़कों पर परिचालन बंद रहेगा, जबकि मेला को लेकर 15 ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। वहीं यातायात DSP ने कहा कि घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जबकि घंटाघर चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच सड़क किनारे डिक्सन मोड़, कोयला डिपो, बस स्टैंड और भागलपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ही बड़ी गाड़ियों को पार्क करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही दुर्गा पूजा के भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए कई जगह बैरियर भी लगाए जाएंगे, जिसमें डिक्सन मोड़, घंटाघर चौक, शहीद भगत सिंह चौक, खलीपाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, स्टेशन चौक और खलीपाबाग चौक के समीप बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएंगी। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे भक्ति भाव के साथ की गई। गुरुवार को भागलपुर के अधिकतर बंगला पूजा पंडालों में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार एवं दुर्गा सप्तशी पाठ के बीच माता की पूजा अर्चना की गई, जबकि इसके अलावा अन्य सभी दुर्गा पूजा पंडालों में भी स्थापित कलश के समक्ष दुर्गा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सप्तशी और संपुट पाठ जारी रहा। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्कंद माता यश, बल, धन और सुख समृद्धि के साथ संतान सुख भी प्रदान करती हैं, जबकि इनकी 4 भुजाओं में से एक भुजा में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद कुमार को गोद लिया है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता शौर्यमंडल की अष्टधात्री देवी है, जिनकी पूजा पीले फूल, फल आदि सामग्रियों से की जाती है और सच्चे मन से माता की पूजा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं भागलपुर समेत देशभर में दशहरा और नवरात्र को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है, जबकि घरों के साथ दुर्गा मंदिरों और सार्वजनिक पूजा पंडालों में भी नवरात्र और दुर्गा पूजा समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि बंगला पद्धति से पूजा किए जाने वाले मंदिरों और पूजा पंडालों में शुक्रवार को माँ दुर्गा के स्वरूप कात्यानी की पूजा के साथ महिषासुरमर्दिनी समेत सभी प्रतिमाओं को वेदी पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए पट खोल दिया जाएगा, जबकि अन्य सभी स्थानों पर सप्तमी के दिन दुर्गा मंदिरों और माता का दरबार दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।
भागलपुर के तिलकामांझी स्थित बस डिपो के समीप चिराग फिजियोथेरेपी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन गीता रानी सिन्हा, समर कुमार विश्वास और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौमित्रो विश्वास ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान क्लिनिक में डॉक्टर सौमित्रो विश्वास ने उद्घाटन करता और अपनी बूढ़ी नानी का स्वागत बुके देकर किया, जबकि इसके बाद वहां मौजूद सभी अतिथियों और पारिवारिक सदस्यों ने क्लिनिक में मौजूद मशीन और उपकरण को देखा और इससे संबंधित भी चिकित्सक से जानकारी ली। वहीं इसको लेकर डॉक्टर सौमित्रो विश्वास ने बताया कि आज के दौर में शरीर में अलग अलग अंगों में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके इलाज में दवा से अधिक फिजियोथेरेपी कारगर होती है, जबकि हड्डी के साथ तमाम तरह के जोड़ों के दर्द और सर्वाइकल डिजीज में भी फिजियोथेरेपी एक कारगर और जरूरी इलाज है। डॉक्टर सौमित्रो ने बताया कि ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स इंजरी, पीडियाट्रिक और गेरियाट्रिक से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी थेरेपी की सेवा उनके द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, जिससे बिना किसी सर्जरी और दवा के भी कई समस्या का समाधान संभव होगा। बता दें कि चिराग फिजियोथेरेपी क्लिनिक में माइग्रेन दर्द, लकवा पीड़ित, साइटिका के दर्द, कंधे कमर और घुटनों के दर्द समेत कई तरह की समस्याओं से राहत के लिए भी विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आधुनिक उपकरण की मदद से इलाज करने की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इस दौरान डॉक्टर कृषानु सिन्हा ने बुके देकर डॉक्टर सुमित्रो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भागलपुर और आसपास के लोगों को फिजियोथेरेपी की सेवा के लिए यह क्लिनिक काफ़ी मददगार साबित होगा। वहीं इस दौरान डॉक्टर सुमित्रो ने अपने चैम्बर में मरीजों की जाँच करते हुए इलाज से संबंधित जरूरी सुझाव भी दिया। मौके पर विनोद चंद्र सिन्हा, चित्रा विश्वास, आशीष चंद्र सिन्हा समेत काफी संख्या में पुरुष, महिला और युवक युवती मौजूद रहे। आज चिराग फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो कि तिलकामांझी बस स्टैंड के ठीक सामने है, उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है और मैं हूँ यहाँ का हेड फिजियो डॉक्टर सौमित्रो विश्वास, बीपीटी ऑनर्स। मैंने सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट और सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट, साथ में 3-4 और सर्टिफिकेशन करी है और मेरे यहाँ पर हर वर्ग के लोगों को, जैसे कोई जवान से लेकर बूढ़ों तक, हर का इलाज मांसपेशियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड सबका इलाज होता है। और फिजियोथेरेपी एक दवाई रहित चिकित्सा है, जिसमें कि हम लोग दवाई नहीं देते और उस बिना दवाई के उसका इलाज करते हैं कारण जाने, जैसे कि घुटनों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज में होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर, उसका इलाज मॉडर्न टेक्निक से होता है, जैसे जॉइंट स्पेशल ट्रैक्शन और 13-in-1 कॉम्बिनेशन थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, इलेक्ट्रिक कपिंग, ये सब तरीके से होता है। प्रीहैब एंड रिहैब, प्रीहैब से क्या होता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनको अच्छा प्रदर्शन करना होता अपने खेलों में, तो उसके लिए वो लोग प्रीहैब भी करवा सकते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उस बीच में अंग्रेजी दवा ले रहा था, तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा, जिससे कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे को एक बार दिखाना चाहिए। बट फिर मैं यहाँ पे आया, उस समय मेरा जो है अंग्रेजी दवा चल रही थी मेरी, और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर, जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा, एक हफ्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाया, 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नमामि गंगे घाट में दबंगों द्वारा की गई गोलाबारी में 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटना को लेकर घायल के भाई ने बताया कि नमामि गंगे घाट पर उनका भाई रूपेश कुमार टेम्पू लगाकर खड़ा था, तभी उत्तम यादव द्वारा टेम्पू हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर उत्तम यादव ने रूपेश कुमार पर गोली चला दी, जिसमें उसके भाई रूपेश कुमार के हाथ में गोली लग गई।
साथ ही कहा कि उनकी मां संजू देवी को भी कान के ऊपर से गोली लगते हुए बाहर निकल गई है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल मां बेटों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं संजू देवी और रूपेश की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों मां बेटों को भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने घटना की छानबीन करते हुए गोली चलाने वाले युवक उत्तम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। घाट पर हाँ, क्या हुआ? वहाँ पर से उत्तम यादव आया और बोला कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, नहीं हटाओगे तो मार देंगे। कौन सा गाड़ी था? टेम्पो था सर। किसका था? टेम्पो मेरा ही था, अपना रुपेश कुमार का ही टेम्पो था। जी जी। तो वो आया, उसके बाद फिर बोला कि नहीं हटाओगे तो मार देंगे, बस बोला कि हटा लेते हैं, फिर बोला कि रुको आते हैं तब तुमको बताते हैं। कौन? उत्तम यादव बोला। हाँ, तो किसको गोली मारा? गोली मारा, उसके बाद दौड़ के गया और हथियार लेके आया और रुपेश कुमार पर गोली चला दिया। कहाँ लगा गोली? गोली हाथ में लगा है। किसको? किसको? रुपेश कुमार को। और किनको लगा है? संजू देवी। उसको कहाँ? मम्मी। उसको कहाँ लगा है गोली? उसको यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ है। शराब के विनिष्टीकरण के दौरान बुधवार शाम भागलपुर के उत्पाद थाने में आग लग गई। मामले में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि कुल 6 थानों के शराब का विनिष्टीकरण उत्पाद थाने के पीछे चल रहा था, जिसमें 4 थानों के शराब का 100% विनिष्टीकरण हो चुका था। शेष 2 थाने के विनिष्टीकरण के दौरान शराब की बोतलों को तोड़कर लीकर बाहर बहाया जा रहा था। इसी क्रम में कोई चिंगारी लीकर की जद में आ गई और आग सुलग गई। इस बीच मौके पर खड़े अधिकारियों में भगदड़ मच गई और आनन फानन में अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी गई। करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि आग लगने के कारण को अधीक्षक ने भी बड़ी चूक बताते हुए मौके पर उपस्थित कर्मियों की लापरवाही बताया। हम निकले थे 6:45 बजे, तो अचानक मुझे फोन आया कि जो विनष्टीकरण हो रहा है वहाँ के आसपास आग पकड़ लिया है। हम जब तक आए तो देखे कि आग सुलग रहा है। हमने फायर ब्रिगेड हरिंदर बाबू को, जो कमांडेंट बिहार होमगार्ड के हैं, उनको हमने फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत किया। JP बाबू जो कोतवाली के अफसर इंचार्ज हैं, SHO हैं, उनको फ़ोन किया। गाड़ी तुरंत आ गई और आग पर हम लोगों ने काबू पा लिया। आग चली, आधा घंटा चली है, क्योंकि शराब था, शराब में आग पकड़ लिया। शराब रेक्टिफाइड स्पीड होता है, इसलिए उसमें आग पकड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस वजह से आग हम लोगों को लगा कि बहुत पकड़ लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कारण सर? कारण ये था, लोग खाते पीते हैं वहाँ पर वो सिगरेट होगा, बीड़ी, हमने देखा नहीं क्या क्या है, इस वजह से पकड़ लिया। भागलपुर के सुल्तानगंज राहुल नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्कूल के प्राचार्य नीरज कुमार ने किया। इस दौरान कक्षा 5 से 8 तक के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बेहतर प्रदर्शनी लगाने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया, जबकि कई बच्चों को अच्छी प्रदर्शनी के लिए संतावना पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान 8वीं कक्षा के अनीश कुमार, 7वीं कक्षा की शिवानी कुमारी और 8वीं कक्षा की साक्षी कुमारी को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिका और छात्र एवं छात्रा मौजूद रहे।